उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश दरियाम बमबाजी कर दहशत फैला रहे हैं। बमबाजी की यह सनसनीखेज वारदात प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के भावापुर इलाके की है, जहां दो बाइक सवार बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए लेडीज ब्यूटी पार्लर को निशाना बनाकर बम फेंका। हैरत की बात यह है कि बदमाश जिस जगह बम फेंकने की तैयारी में थे, उसी वक्त वहां पुलिस की चेतक बाइक भी गुजरी। रात के वक्त दो लोग बीच सड़क पर संदिग्ध दिखने पर भी पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की। ये वारदात शनिवार रात की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया है। बम फूटते ही वहां तेजी से धमाका हुआ और धुआं ही धुआं नजर आने लगा। बाद में पुलिस फिर से मौके पर पहुंची, लेकिन किसी की शिकायत न करने की वजह से पुलिस मामले को लेकर लीपापोती करने में लगी हुई है। पुलिस बमबाजी की घटना से इनकार कर रही है, पटाखा फोड़े जाने की बात कर रही है, लेकिन सीसीटीवी वीडियो में बमबाजी साफ दिखाई दे सकती है। जबकि ये घटना बताई गई है तो उस समय वहाँ पीआरवी की एक गाड़ी भी मौजूद थी और पुलिस की एक टीम भी थी। घटना पर इस तरह की कोई सामग्री नहीं मिली जिससे कि बमबाजी की पुष्टि हो सके। बताया जाता है किसी ने पटाखा जलाया था वहाँ पर, तो बमबाजी के ना तो कोई उसकी सुतली कील किसी भी तरह के अवशेष इस तरह के नहीं मिले, और पुलिस चूंकि वहाँ मौजूद थी इसलिए उसमें कोई संदेह नहीं है घटना में, तो बमबाजी की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है वहाँ पर।